This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content.

अब 272 सेवेंटी टू माइनस पे खड़ी है थर्टी एट थाउजेंड तक पहुंच के मार्केट नीचे आ गई और उससे पहले जो हमने बड़ी सेलिब्रेशन की थी इस चैनल पे वो 34,500 की थी तो उस लिहाज से बहुत बड़ी इंक्रीज़ uh, हो चुकी हुई और उसके बाद कटौती होना एक नॉर्मल बात है जब भी मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ती है और वो भी एक न्यूज़ के ऊपर कि इमर्जिंग मार्केट में हमारी एंट्री होगी या नहीं और वो हो गई उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे शेयर्स जो आ, इस मार्केट में इमर्जिंग मार्केट में अपीयर होने वाले हैं उस पर हमने बहुत बड़ी तेज़ी देखी और वो कई कई दफ़ा अपर लॉक लग लग के बहुत हाई लेवल पे गए लेकिन उसके बाद आ, लोगों को जब ये रियलाइजेशन हुई कि ये तो सिर्फ़ एक अनाउंसमेंट है एक्चुअल एक्शन तो अगले साल मई में, में शुरू होगा और एक्चुअल जो फंड्स जो कंपेल्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला लेने पे नॉट टू बीट द मार्केट वो उस वक्त लगाएंगे पैसे जब वो मे से एक दो महीने पहले अभी नहीं तो उसके बाद से जो है वो गिरावट आई है इस गिरावट पे बहुत बड़ा हाथ है फॉरेन सेलिंग का कल भी हमने कोई सात मिलियन की आ, सेलिंग देखी घोड़ों की लेकिन आप लोगों ने वो चीज़ ख़रीद डाली विच इज़ ए वेरी वेरी वेलकम थिंग आज भी यही सिचुएशन है कल की परसों की बात की मैंने अब कल की बात ये थी कि कल सेवन के आ, सेलिंग आई लेकिन सेवन की परचेजिंग की आप जैसे इंडिविजुअल्स ने जिनको मैं खिताब करता हूँ तो ये हमारी बड़ी कामयाबी है ये तमाम शेयर्स अच्छे हैं हमारे अभी वो गोरे इसको अभी खरीदें या एक साल बाद ख़रीदें इट डजन मैटर दीज आर गुड शेयर्स ऑफ योर कंट्री ये मुल्क आपका है ये कंपनियाँ आपकी हैं आप लोग तमाम शेयर लेते जाएँ गोरों को आना है आए जाना है जाएँ जब गोरे आएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पहल... पर आएंगे नेक्स्ट ईयर 300-400 मिलियन डॉलर आएगा ये 700 मिलियन सात सौ आठ सौ सात आठ मिलियन कुछ भी नहीं है उसके बाद मार्केट आपकी बहुत ऊपर जाएगी उससे पहले आप सारे शेयर खरीद के बैठ जाएं बेचे नहीं गोरा है आपसे खूब महंगा खरीदें आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो हेलो जी तारिक साहब जनाब थॉमस बोल रहा हूँ कराची से वेलकम टू शो सर सर मैंने पता करना था ये yeah. एफर्ट के बारे में किसके बारे में एंग्रो फर्टिलाइजर अच्छा जी ये अभी दो तीन दिन से नीचे जा रहा रहे है हैं हाँ सब इसमें यह हुआ है कि एंग्रो एंग्रो ग्रुप जो है वो अपने पैसे हर जगह से निकाल रहा है उसने एंग्रो पॉलीमार बेच दिया एंग्रो फूड बेच दिया और एंग्रो फर्ट का बीस फीसद शेयर किसी और को बेच दिया एट द रेट ऑफ सिक्सटी सिक्स उनको पैसे चाहिए अपने कोल और इनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इसलिए वो निकाल रहे हैं हर जगह से तो यह सिक्सटी सिक्स पर डील हुई उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद अब नीचे आ रहा है आज भी नीचे गया हुआ है ये आज 65 का हो गया लेकिन आपको हम ये बात बता दें कि हमारी जो इंटरनल स्टडी है बिज़नेस प्लस के रिसर्च डिपार्टमेंट की वो इसकी वर्थ निकालते हैं सेवनटी सेवन रुपीज़ उस लिहाज से ये आज ग्यारह रुपये सस्ता है और आप लोगों से कहता हूँ कि इसको ख़रीद के रख लें जब किसी ने इसको सिक्सटी सिक्स पर लिया तो किसी वजह से लिया और बल्कि ये इस दफ़ा सुना ये गया है कि ई फर्टिलाइज़र ने ख़ुद बेचा है एंग्रो वालों ने किसी ने आके इनसे मांगा नहीं था इनको कैश की ज़रूरत थी तो इसकी वर्थ सेवेंटी सेवन है इसको आप ज़रूर लेके छोड़ दें दुनिया भर में सिचुएशन ये रही कि तेल की कीमत जो है फिफ्टी पॉइंट फोर फोर पर पहुँची है और विथ इनक्रीज ऑफ वन पॉइंट वन एट परसेंट और उसका नतीजा ये हुआ कि हांगकॉन्ग डाउ में ट्वेंटी फोर का इजाफा नैसडेक में सिक्सटी फाइव का इजाफा नीके में हंड्रेड एंड थ्री का लॉस हैंसग में वन ट्वेंटी सिक्स प्लस शंघाई 26 प्लस सेंसेक्स में 1112 माइनस सिंगापुर 12 14 प्लस और यूरोपियन मार्केट भी प्लस चल रही है आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो सामेकम जनाब खान साहब क्या हाल चाल हाँ प्रोग्राम करते हैं सर आप लोगों दिल से दुआ निकलती है आप यकीन करें मैं भी ही बन गया हूँ लोगों से दुआ लेता रहता हूँ आ, बड़ी बड़ी निकल काम सर ये पूछना था जो लिंडी है केमिकल लिंडी बारे केमिकल सेक्टर लिंडी के बारे कौन सी कंपनी आपने कही लिंडी 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 हाँ लिंडी सर लिंडी, लिंडी जो है कैसा है ये इसका ग्रुप या ये कौन सा है ये के, 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 इसमें कोई तो खर्चा तो नहीं है कि ये डूब जाए या इसके नहीं, नहीं आ रहा है लिंडी एक अलग चीज है लोटे एक अलग चीज है इससे कंफ्यूज ना होइएगा लोटे तो वो है जो रेजिन बनाता है लिंडी वो कंपनी है जो आपके वेस्ट वॉर्फ पर मौजूद है आप जाके देख सकते हैं बहुत पुरानी कंपनी है जो गैस गैसेस का काम करती है गैसेस जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हैं और जगह इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत अच्छी कंपनी है बहुत ज़माने से खामोशी से काम करती है वैल्यू भी बहुत अच्छा है रिटर्न भी इसके बहुत अच्छे हैं अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो इसको बिल्कुल ना बेचिएगा और जो लोग अभी सुन रहे हैं उनसे भी कहता हूँ कि लिंडी पर भी नज़र डालें आजकल मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने इंजॉइन कर लिया मैसेंजर पर और दुनिया भर से वो फोन वो करते रहते हैं फोन करने की कोशिश करते हैं और उसके अलावा मैसेजेस भेजते हैं तो आजकल मैं उनको मुसलसल एडवाइस करता रहता हूं कि वो तमाम शेयर्स भी जिसका जिक्र आजकल हमारे वॉल्यूम डिटेल्स में नहीं आता उन पर भी आपको नज़र डालना चाहिए तो रिसेंटली मैंने उनसे कहा कि बाटा को देख लें सर्विस को देख लें मीचर्स को देख लें मरी को देख लें शिजान को देख लें नेशनल नेशनल फूड को देख लें ये सब हमारी अच्छी कंपनीज़ हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं नून पाक को देख लें आ, फ, फिरोज सन्स है लेबरट्री उसको देखें ये सारी कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं अच्छी इनके प्रोडक्ट्स हैं कोई वजह नहीं है कि इनमें कोई आप अगर इसके हिस्सेदार बनते हैं तो आपको लॉस हो जाए पर, आ, सिर्फ शर्त यह है कि ईमान अपना पुख्ता रखना है पाकिस्तान पे इस्लाम पे अल्लाह पे आखरत पे और इन कंपनीज़ के ऊपर तो आपको कोई प्रॉब्लम होने का को, को, कोई गुंजाइश नहीं है और हमेशा मेरा, मेरा मशवरा होता है कि बहुत सारे कंपनियों में लगाएं कि खुदा न खास्ता किसी एक में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए वो भी वक्ती होता है तो आप उससे आराम आपको ज्यादा कोई नुकसान ना हो आइए क्लाइव कॉल से बात करें वाई साम जनाबी लाहौर सर वेलकम सर जी, जी थैंक यू कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ सर

तीन बैंकों को नीचे गिरा दिया उसमें खादिम अली शाह बुखारी है एन आई बी है और सिल्क बैंक है तो नाइन्टी फाइव बिलियन इज़ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस बैंकस एंड दिस ग्रुप लेकिन ऐसा है मैं खुद बैंकर रहा हूँ छब्बीस uh, साल तक तो मैं अपने डलाइमा को जानता हूँ बैंक बैंकों में क्रेडिट डिपार्टमेंट में दो थ्योरीज होती हैं एक ग्रुप ऑफ थॉट ये कहता है कि डोंट थ्रो गुड मनी गुड मनी ऑन बैड मनी यानी अगर आपको दीवान ग्रुप में लॉस हो गया तो हो गया उसको बर्दाश्त कर लो किसी तरह दो चार साल में कवर कर लो बजाय उसको मज़ीद पैसे देने के एक थ्योरी ये भी होती है जिसको मैं बहुत फॉलो करता रहा वो ये है कि यार किसी ज़्यादातर मेरी अपनी एनालिसिस ये थी कि तमाम की तमाम कंपनियाँ बैठ जाती हैं बिकॉज ऑफ़ इम प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैश वो ज़्यादातर वो अपने डेवलपमेंट वाले पे लगा देती हैं बिल्डिंगें बना लेती हैं और औ, खर्च कर देती हैं फिक्स एसेट्स पे और लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल की वजह से बंद हो जाती हैं तो इनको थोड़ा बहुत अगर वर्किंग कैपिटल दे के देखा जाए तो शायद ये चल पड़े और uh, दीवान केस में ग्रुप केस में यही हुआ कि बैंकों ने हल्का हाथ रखा उनको पैसे दिए कि आप अपना सीमेंट की फैक्ट्री चला लें आप अपनी मोटर की कंपनी चला लें और उन्होंने उसको चलाना शुरू भी किया जिसके वजह से आपने देखा कि इनके शेयर दो दो रुपए से सोलह सोलह रुपए के हुए लेकिन अब बैंक जो होते हैं उनके अंदर जैसा कि पता ही आपको ग्रुप्स होते हैं प्रेशर पॉइंट्स होते हैं तो अब आ, उनको प्रेशर आया कि जी आप लोग ये ये इनको तो आप हेल्प कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट पेइंग बैक एनीथिंग तो वो फिर से रीशेड्यूलिंग वगैरह की बातें चली और वो फेल हो गई क्योंकि ग्रुप के पास कैपेसिटी नहीं है कि अभी वो पैसे दे सके जब तक इसकी तमाम चीज़ें नहीं चलती ये अभी और इसको बैंक की सपोर्ट चाहिए और मजीद बैंक सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बैंक में ये भी वो जो दूसरा स्कूल ऑफ थाट है कि यू आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी वो शायद प्रिवेल कर गया और इस वजह से ये मीटिंग ख़त्म हो गई लेकिन एज ए फॉर्मर क्रेडिट मैनेजर रीजनल क्रेडिट मैनेजर विद अथॉरिटी ऑफ हंड्रेड मिलियन सऊदी रियाल मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये बात कभी ख़त्म नहीं होती है लाइफ गोज़ ऑन अभी ये नाकामयाब हो गया थोड़े दिन के बाद फिर से री थिंकिंग आएगी फिर से इस पर सोचा जाएगा और फिर से ये रिवाइवल आएगी और किसी तरह अगर इस ग्रुप को चला दिया जाए तो मुल्क के लिए और इन बैंकों के लिए भी बहुत अच्छा होगा अदरवाइज तो सबको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा

रास्ते पे चलते हुए मोची को भी बोला दुकानदार को, को भी बोला अपने प्लम्बर को भी बोला अपने कंस्ट्रक्शन वालों को भी बोला कि पाकिस्तान में जो एसेट खरीद लिया उसको बेचो नहीं एन आर एल इज़ ए ज्वेल ऑफ ए शेयर डोंट सेल इट इसकी रिफाइनरी की जरूरत हमेशा रहेगी मुल्क में और आपको ये अच्छा रिटर्न देता चला जाएगा फोर सिक्सटी में बेच बेच के आप क्या करेंगे इसको आप जापान लेके जाएंगे पैसे को या यूरोप लेके जाएंगे जहाँ आपको माइनस में पैसा मिलेगा यहाँ तो आपको ये तेल भी दे रहा है साथ साथ आपको कुछ कमा के भी दे रहा है तो भाई रियाज साहब मेरी मेरी अगर बात सुननी है वो अक्सर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं नहीं सुनते हैं और फिर बाद में अफसोस भी करते हैं तो अगर मेरी बात सुन लेंगे आप मेरी इज्जत रखेंगे तो इस शेयर को आप कभी नहीं बेचेंगे बेटे को दे के जाना और उसको कहना है कि इसको नहीं बेचना पोते को देना ये सब ये सब ज्वेल हैं जिनको कभी ना बेचें आप भले आप गाड़ी बेच दें रिक्शा बेच दें मोटरसाइकिल बेच दें ज्वेल अपने बीवी की जेवर भी बेचना पड़े बेचें लेकिन ये शेयर्स नहीं बेचना है आइए क्लाइव कॉल से बात करें नाजी आज की आ, आ, और जो आज की खबरें हैं आ, उसमें एक जो अच्छी खबर है बहुत ये मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं मुसलसल अठारह उन्नीस चीज़ों की हाई रेट के ऊपर प्रोटेस्ट करता रहता हूँ रोज़ाना यहाँ भी करता हूँ सोशल मीडिया पे भी करता हूँ अपने रूलर्स को एम्बेस भी करता हूँ मैंने कहा बार बार क्या आप कहते हो हम बड़े किसान दोस्त हुकूमत हैं किसान पैकेजेस देते रहते हैं लेकिन इंडिया में जो किसान है उसको बिजली पाँच रुपये की मिलती है उसको यूरिया पाँच सौ का मिलता है आप अठारह सौ पचास रुपये में बिजली ए, यूरिया बेचते हो सात सौ रुपये उसके ऊपर टैक्स लेते हो फिर कहते हो कि किसान दोस्त झूठे लोग आप लोग और फिर किसान पैकेज देते हो पचास रुपये सौ रुपये का सात सौ रुपये लेते क्यों हो तो आज खबर ये आई है कि प्रेशर पड़ा साठ रुपये पहले उन्होंने कम करने की बात की आज एंग्रो के जो सी हैं उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है तीन सौ नब्बे रुपये कीमत कम करने की यूरिया की ताकि एग्रीकल्चर हमारा फिर से रिवाइव हो सके अठारह सौ पचास हमारा एग्रीकल्चरिस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता अगेंस्ट इंडिया ऑन स्लॉट आपको ये करना पड़ेगा मेरे तो डिमांड ये है कि आप इस पर हंड्रेड परसेंट ड्यूटी टैक्सेस ख़त्म कर दें ताकि ये ग्यारह सौ रुपये का हो जाए और उसके बाद मेरी अपनी राय है कि मजीद आप उस पर सब्सिडी भी दें जैसे इंडिया देता है आठ सौ रुपये की यूरिया को इंडिया पाँच सौ में देता है कैसे सब्सिडी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तरफ से पैसा दे दी है बिजली की कीमत आ, फ्यूल की कीमत कम होने की वजह से ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुकी है तो आप भी यहाँ पाँच रुपये में पंजाब में और सिंध में दें सिंध में आप सत्रह रुपये की बिजली दे रहे हैं गरीब किसान को विच इज़ कंप्लीटली अनफेयर एंड मेकिंग दिस पीपल अनवायबल ये बहुत अच्छी खबर है जनाब अगर ये हो जाए तो आ, आ, बहुत अच्छी बात होगी आइए कॉल से बात करें हेलो वासलाम जनाब अतीक बोल रहा हूँ जी कराची से अतीक साहब मैंने तो ये पूछना था कि बजट में इन्होंने कहा था कि हम डिविडेंट उस पे बोनस शेयर पे जो है वो टैक्स खत्म कर देंगे विद होल्डिंग टैक्स तो क्या वो खत्म हुआ है या नहीं हुआ नहीं नहीं इस पर कोई बात ही नहीं की उन्होंने दोनों चीज़ों पर कोई बात ही नहीं हुई प्रपोजल स्टॉक एक्सचेंज वाले से गया था लेकिन देखिए हुकूमत गुम, इतनी मजबूर है इतनी लाचार है कि ये गरीब से ग़रीब आदमी पे पेट्रोल के ऊपर चालीस रुपये चौबीस रुपये पचास रुपये टैक्स लेने से गोरेजा नहीं है ये गरीब जो किसान इस्तेमाल करता है यूरिया उससे सात सौ रुपये लेने पे को नहीं छोड़ती तो ये जो हम लोगों से ये ले रही है इसको कैसे छोड़ देगी कभी नहीं छोड़ेगी और ये मजीद इसी तरह के टैक्स बढ़ाती चली जाएगी आइए कॉल से बात करें जी, तारिक मैं से बात कर रहा हूँ पूछना चाह रहा था कि ये पाक टैंक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल आप क्या राय हैं सर इसके बारे में ये है कि एक सिंपल सा टर्मिनल है जो बन रहा है पोर्ट कासिम पे और इसकी बड़ी अशद जरूरत है मुल्क को क्योंकि जो कराची पे बर्क टर्मिनल है बहुत ही छोटा सा है और वहाँ बिल्कुल रखने की गुंजाइश भी नहीं है तो ये बनेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है स्लो 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 ये बढ़ेगा और ये इन शाह अगले में साल मैं समझता हूँ कि जनवरी फरवरी में ऑपरेशन हो जाएगा आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी और इस शेयर को ले आपको बेचना नहीं है हमेशा के लिए घर की जायदाद बना के रख देना है और मेरी प्रोजेक्शन है कि ये दो सौ तक का जाएगा नज़ी आप लोगों का छोटी सी ब्रेक नाज़िर वेलकम बैक नाजिर हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें तब्दील हो रही हैं खुरम दस्तगीर साहब जो कि इंजीनियर खुरम दस्तगीर कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है जिसके लिए मैं उनको शाबाशी देता हूँ उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट के कार है कि कस्टम ड्यूटी और टैरिफ के ज़रिए से टैक्स जमा करती है ये बिल्कुल गलत है उन्होंने कहा कि ये जो हाई टैक्सेस लगाया हुआ है सिर्फ टैक्स लेने के लिए इससे तमाम इंडस्ट्री वगैरह तबाह हो रही हैं और ये कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इसी तरह मैं कहता हूँ कि तमाम एनर्जी के ऊपर जो गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाया हुआ है उससे तमाम इंडस्ट्री अनवाइबल हो गई है इसको नहीं लेना चाहिए और टैक्स लेने का सही तरीक़ा जो है दुनिया भर में वह है अमीर लोग जो जिनकी कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में क्योंकि उनके ऊपर टैक्स नहीं लिया गया जब से पाकिस्तान बना कुछ लोगों के पास पैसे की अंबार लग गई है अरबों खरबों कोई बात ही नहीं उनके लिए उनसे कोई टैक्स नहीं लेता और जब नैब कहीं पे छापा मारती है तो नोट गिनते गिनते थक जाती है तो उन लोगों को जो 35 लाख लोग आइडेंटिफाइड हैं थ्रू नादरा डाटा जो छुप नहीं सकते जिन्होंने गलती कर दी नेशनल आइडेंटी कार्ड बना लिया और तमाम अपने एसेट उससे लिंक अप कर दिए ख़रीदते बेचते हुए तो वो बच कैसे सकते हैं उनकी एक एक कंजम्पशन पैटर्न हमें पता है कि वो कितना क्या क्या खाते हैं क्या पीते हैं कहाँ घूमते हैं तो उनसे वो बच कैसे सकते हैं उनसे लिया जाए टैक्स उनसे ले जितना लेना है एक एक करोड़ रुपये महीने साल का मांग लें वो देने पर मजबूर हैं नहीं देते हैं तो उनकी अरबों की जायदाद को आप जब्त कर लें कोर्ट को दे दें कि कोई इसके एसेट की मूवमेंट अलाउ ना की जाए वो ख़ुद मजबूर होकर आएगा देने के लिए और ये तमाम चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो आप टैक्स लगा लगा के यूरिया को महंगा कर रहे हैं सीमेंट को महंगा कर रहे हैं और चीज़ों को महंगा कर रहे हैं चीनी को महंगा कर दिया आपने पचास से चौंसठ पे चला गया दूध लाने पे सख्ती की हुई है कि पहले टैक्स दो तो दूध आएगा गरीब बच्चा अगर तीस रुपये का दूध पी ले लीटर का तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा जहाँ के चालीस फ़ीसद लोग गरीब तरीन हैं जिनको पेट भर के खाना नहीं मिलता जो दूध छू नहीं सकते तो प्लीज़ इस चीज़ों को बदलें आप आपका मिनिस्टर खुद कह रहा है कि ये गलत तरीका है आइए एक लाइवका से बात करें हेलो तो अच्छा, में जी, जापान पावर।, जे -पी, अच्छा, जे -पी। जी जापान पावर और आ, सु, सु, सौधन, सौधन दोनों को चलाने की तजवीज मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से दी गई उस पर काम हो रहा है लेकिन बहुत सारे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं पिछले दफा भी शायद नेपरा ने रोक दिया था कि जी हम जो हमने फ़ाइन इनको कर दिया वो कर दिया वापस नहीं कर सकते इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त फ़ाइन लग गया ये कह के कि आपने जो वादा किया था कि इतनी बिजली प्रोवाइड करेंगे आपने क्यों नहीं प्रोवाइड की लेकिन ये नहीं गवर्नमेंट ने कहा कि जिस जो आपने वादा किया था कि हम बिजली इस रेट पर लेंगे और आपको पे पेमेंट करेंगे तो आपने पेमेंट टाइम पे क्यों नहीं की जब पेमेंट नहीं आई इनके पास कैश ख़त्म हो गया फ्यूल ख़रीदने का पैसा नहीं हुआ तो इनकी फैक्ट्रियाँ ये बंद हो गई और उसके ऊपर उन पर पेनल्टी लगना शुरू हो गई तो तमाम पेनल्टी को माफ करके और मजीद इनको बैंक वगैरह से कर्ज दिला के इनको चलाने की जरूरत है दोनों पे काम हो रहा है उम्मीद रखें आप और ये जब चलेगा तो लाइव कॉल से बात करें हेलो हेलो जी एक तो बैंक फला का आप बताइएगा कि बैंक का आपको फ्यूचर क्या लगता है जी, जी. और दूसरा स्टॉक फंड का मीज़ान स्टॉक फंड का तो मुझे नहीं पता जनाब मीज़ान के फंड्स वैसे सब अच्छे हैं मार्केट को बीट कर रहे हैं आई शुड बी आर राइट बैंक फला एक्स बी सी सी आई वालों का बैंक है ये अबूधाबी की ओनरशिप है इनकी और आ, ये एक मीडियम साइज़ बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्मार्ट बैंक है और मीडियम साइज़ बैंक है तो पांच बड़े बैंकों के बाद इन बैंकों का नाम आता है जिस तरह से इकॉनमी तरक्की कर रही है इनका फ्यूचर अच्छा है नाजिन एक और जो आ, ख़बर है आ, आ, वर्थ डिस्कसिंग वो ये है कि नेपरा अप्रूव्स टैरिफ ऑफ फॉर एटलास पावर जन आर एन आर एल एन जी को उन्होंने डिटर्मिनेशन कर दी है और ये टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी मेगावाट कम्बाइंड साइकिल री लिक्विफाइड लिक्व, नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट है शेखुपुरा में आ, जिस पर काम हो रहा है आ, अजीब बात यह हुई है कि इसी दौरान जबकि गैस की कीमत दुनिया भर में तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ महंगी है बिकॉज एक तो हम ख़तर से हाई रेट पे खरीद रहे हैं प्लस उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है इसी दौरान हुआ यह है कि इकानमी बिल्कुल चेंज होती जा रही है पेट्रोल के जो 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 फ्यूल पेट्रोल से जो बनता था बिजली फंडसवाल इसको कहते हैं उसकी कीमत इतनी नीचे आ गई कि वो गैस से भी सस्ती हो गई है ये एक बड़ी अजीब और ग़रीब डेवलपमेंट है बहरहाल कोशिश आजकल जारी है बहुत ज़्यादा प्लांट लग रहे हैं गैस बेस्ड नाज्रीन इसी के साथ ज्यादा चाहूँगा खुदाफिज